हेलो एवरीवन मैं हूं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं हम लोग कंप्यूटर की सीरीज चालू किए थे और इसमें इनपुट डिवाइस हम लोग देख रहे थे इनपुट का कहने का मतलब है कंप्यूटर को जो आदेश निर्देश दिया जाता है उसको इनपुट कहते हैं जिस माध्यम से दिया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं इसमें हम लोगों ने कुछ देख लिया था आज हमारी जो चर्चा है मुख्य रूप से पॉइंटिंग डिवाइस पे रहेगी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे देखिए नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा था पॉइंट पॉइंट अगर हम किसी आदेश को पॉइंट करके दें ठीक है जैसे हमने कह दिया कि ये काम करना है और पॉइंट कर दे कि नहीं ये काम तुम्ही को करना है यानी को करना है तो ये पॉइंट हो गया यानी सेलेक्ट करके किसी को चूज करके ऐसे मान लो किसी को को चूज किए और इसी को बोले कि नहीं करना है 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 ठीक तो पॉइंट करके जब आदेश दिया दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है उसी को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन और सबसे प्रचलित जो है वो कौन सा है तो वो हमारा माउस हो जाता है माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट यूनिट है थोड़ा सा बहुत सारे लोग क्योंकि कंप्यूटर को इजी करना तो है तो माउस का प्रयोग करते हैं ठीक है तो माउस का थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं इसकी जो खोज है पहले तो बात तो पॉइंटिंग यूनिट है यार पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है 1964 में डगलस डगलस सी एंजल बर्ट एंजल बर्ट ने की थी ठीक है डगलस सी एंजल बर्ट ने की थी याद रखिएगा इसकी खोज सबसे पहले किसने किया है तो डगलस एंजल बर्ट ने एंजल याद रखेगा एंजल ने अमाउस बना दिया हमारे लिए तो एंजल बर्ट ने क्या किया था खोज किया था अगर हम माउस की बात करें तो माउस के अगर देखा जाए प्रकार ठीक है थोड़ा सा इसका हिस्ट्री वगैरह देख लेते प्रकार में तो देखो एक प्रकार एक होता है वायरलेस ठीक है यानी बेतार बोलते हैं हिंदी में बेतार वायरलेस जो माउस है एक हो गया ठीक है जिसमें वायर नहीं होता है ब्लूटूथ और या फिर वाईफाई के माध्यम से वो कनेक्ट हो जाते हैं ठीक है कंप्यूटर से जुड़े होते हैं दूसरा होता है आपका मैकेनिकल मैकेनिकल और तीसरा होता है ऑप्टिकल ठीक है ऑप्टिकल मैकेनिकल कहने का मतलब है मैकेनिकल माउस इसमें एक नीचे रबर बॉल लगी होगी जिससे तो कर्सर मूव करता है प्लास्टिक की रबर बॉल होती है 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 तो मैकेनिकल माउस होता होता और एक ऑप्टिकल जो लेजर के माध्यम से क्या करता है? आपका करता आपका कर्सर कर्सर को मूव मतलब समझ लीजिए जो पॉइंट करता है जो एरो होता है कंप्यूटर में अगर जो कंप्यूटर चलाए होंगे वो बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे जो नहीं चलाए वो समझिए ऐसे की जो कंप्यूटर में एरो होता है ना उसी को हम लोग कर्सर बोलते हैं और कर्सर को मूव करने के लिए मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस आते हैं ऑप्टिकल माउस समझ लीजिए ऐसे लेजर के माध्यम से यानी एक सतह है सतह पर लेजर पड़ेगा एक लाइट पड़ेगी और उसके माध्यम से कर्सर मूव होगा आप ऐसे करेंगे तो लाइट मूव होगी तो कर्सर भी मूव होगा इसके बाद बाद देखें प्रकार के बाद अगर देखें कार्य देख लेते हैं कार्य है ना कार्य की अगर बात करें तो कार्य में देखिए मुख्य रूप से इसका मुख्य कार्य है क्लिक ठीक है क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट क्लिक देखिए क्लिक या लेफ्ट क्लिक की बात करें तो माउस में दो क्लिक होते हैं एक फर्स्ट फिंगर वाला एक सेकंड फिंगर वाला तो फर्स्ट फिंगर वाला जो है ये फर्स्ट वाला उसको लेफ्ट क्लिक कहेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए लेफ्ट क्लिक करते हैं ठीक है क्या करना है सेलेक्ट करना है या फिर किसी को किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को चयन करना है उसके लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक या क्लिक का प्रयोग करते हैं है ना? को चूज करना हो ना तो लेफ्ट क्लिक करेंगे उसके बाद होता है डबल क्लिक, डबल क्लिक।, डबल क्लिक, क्लिक, क्लिक लेफ्ट क्लिक का ही है या क्लिक का ही है किसी फाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ठीक है यानी क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग डबल क्लिक का प्रयोग करते हैं मान लीजिए एक फाइल उसको सेलेक्ट करना है तो एक क्लिक दबा दिए और अगर मान लीजिए क्या करना है उसको एग्जीक्यूट करना काम करवाना जैसे फाइल है उसको खोलना है या फिर मान लो कोई गाना है उसको सुनना है तो डबल क्लिक कर लिए वीडियो चलाना है तो डबल क्लिक कर लिए चल गया तो ये हो जाएगा डबल क्लिक में क्या होता है क्रियान्वयन होता है या फिर एग्जीक्यूशन होता है क्यूशन ठीक है एग्जीक्यूशन होता है क्रियान्वयन होगा या एग्जीक्यूशन होगा डबल क्लिक में ठीक तो ये दो काम हो गया तीसरा काम होता है राइट क्लिक ठीक है सेकंड जो फिंगर है उससे क्या होगा राइट क्लिक तो राइट क्लिक देखिए राइट right क्लिक में क्या होता है राइट right क्लिक में उस फाइल का जिस फाइल को आपने सेलेक्ट किया है उस फाइल फाइल का फाइल का या फिर जिसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका मेन्यू खुल जाता है उसमें से कुछ जो कॉमन मेन्यूज होते हैं वो खुल जाते हैं तो राइट right क्लिक से आप क्या कर सकते हैं फाइल के मेन्यू को खोल सकते हैं मेन्यू बार को खोल सकते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ठीक है तो तीन काम हो गए ध्यान दीजिएगा एक क्लिक हो गया जिसको लेफ्ट क्लिक भी बोलते हैं इसमें सेलेक्ट करना है तो ये करेंगे डबल क्लिक में एग्जीक्यूट करवाना है तो करेंगे थर्ड वाला राइट right क्लिक में क्या करना है उस सेलेक्टेड फाइल के या फिर जिसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका मेन्यू खोलने के लिए काम करेंगे या फिर एक मेन्यू बार खोलने के लिए आप राइट right क्लिक का प्रयोग करते हैं उसके अलावा उसके अलावा था ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कहने का मतलब है देखो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होता है आप जैसे समझे कट और पेस्ट ठीक है कट और पेस्ट मतलब किसी फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह घसीट कर ले जाते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है इसको हटाकर यहाँ ले जाना है यहाँ ले जाना है तो मैं ना क्या करूंगा पता है क्लिक है ना जो क्लिक क्लिक इसको उस फाइल पर क्लिक करूंगा होल्ड करूंगा ड्रैग करूंगा और वहां पर जहां पर रखना हुआ छोड़ दूंगा ड्रॉप कर दूंगा ठीक है तो क्लिक बटन को दबाए रखने से क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन खुलता है यानी ये तीसरा चौथा काम हो गया ठीक है देखो कितना एक ही से कितना सारा काम हो गया ड्रैग एंड

बीच में कई जगह माउस में ना कर्सर लगे होते हैं ठीक है थेके? मतलब गोल आपका कर्सर लगा जो कर्सर को मूव करता है फाइल को ऊपर नीचे करता है तो ये भी आपका मूवमेंट आपका करता है कर्सर मूवमेंट आपका कहते हैं ये कई माउस में होता है कई में नहीं होता है तो ये ऑप्शनल होता है ठीक है बट ये जनरली होते ही है माउस में ये इतने वर्क होता ही है, है ना क्लिक होगा डबल क्लिक होगा राइट क्लिक होगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होगा ठीक है तो ये कंप्यूटर की छोटी सी हिस्ट्री आपको पढ़ना है वायरलेस होता है मैकेनिकल माउस होता और है और ऑप्टिकल माउस होते हैं मुख्य रूप से माउस क्या है एक आपका ऑप्टिकल आपका पॉइंटिंग डिवाइस है पॉइंटिंग इनपुट है ठीक है इसको याद रखना है इसके बाद इनपुट डिवाइस देख रहे थे इसके बाद जस्ट इसी का देखिए इसी में सेकेंड आता है आपका सेकेंड है ट्रैक बॉल ठीक है ये देखो जो ट्रैक बॉल देखे ना नहीं ये ट्रैक बॉल जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये भी कैसी है तो पॉइंटिंग ही है ठीक है इसमें ऊपर में, एक, में एक क्या होता है एक गोल क्या होगा आपका बना होगा इसी ये एरो का काम करेगा कर्सर का काम करेगा का का इसी को आप इसी के ऊपर ना क्या कर सकते हैं हाथ रखे कर्सर को मूव कर सकते हैं जनरली इसका प्रयोग जो है वीडियो गेम में हो जाता है आपका जो सोना आपका जो नेवी वगैरह है या जो समुद्री विज्ञान है उसमें आपका इसका प्रयोग किया जाता है तो ये भी क्या है माउस का जिस उल्टा कर दोगे ना तो ये बन जाएगा ठीक है मैकेनिकल माउस होता है ना उसी को उल्टा कर दो ऐसे तो माउस क्या ये हो गया ये भी क्या है तो इनपुट डिवाइस है इसको याद रखेगा ठीक है इनपुट डिवाइस है तो आपका ट्रैक बॉल आपको याद रखना है ठीक है ट्रैक बॉल क्या है एक इनपुट डिवाइस इसके बाद इसके बाद है जॉयस्टिक जॉयस्टिक ऐसे समझिए जैसे कार होता कार का गियर होता है ना वैसे ही कुछ-कुछ दिखता है मुख्य रूप से इसका प्रयोग हाँ हम लोग गेमिंग वगैरह में करते हैं ठीक है गेम वगैरह खेलना हो तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है बहुत कॉमन है बच्चे लोग तो जानते ही होंगे ठीक है और जो बचपन में खेले होंगे पीएस वगैरह तो वो भी जानते होंगे है ना तो याद रखिएगा जॉयस्टिक याद रखना है आपको जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है जो की मुख्य रूप से गेमिंग में होता है इसमें क्या होता है कर्सर जो होता है ना कर्सर कर्सर के मूवमेंट को होल्ड करने के लिए ठीक है वो ये जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है ठीक है देखे माउस का प्रयोग करेंगे कर्सर को मूव करने के लिए और ये कर्सर के मूवमेंट को होल्ड करने के लिए हम लोग पैड आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो लैपटॉप वगैरह होता है लैपटॉप में जो ये सेक्शन देख रहे हैं ना ये जो आपका आयताकार जो सेक्शन है इसको पैड कहते हैं इसमें आप क्या कहें माउस की तरह यूज कर सकते हैं और टच करके ठीक है टच करके या क्या कर सकते हैं आप आप इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं टच पैड जैसा ही हो गया आपका कैसा टच स्क्रीन ठीक है टच स्क्रीन भी बता देते हैं टच स्क्रीन जैसे देखिए तो टच पैड या टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें ये ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है याद रखिएगा सब पॉइंट है पॉइंट कर रहे हैं ना जैसे हमको क्या खोलना है तो हमको इंस्टाग्राम हम खोलना है ना चाहे व्हाट्सअप खोलना है तो हमने क्या किया एस, उस वाले जो लोगो बना है उसको क्लिक किया मतलब पॉइंट किया वो खुल गया ठीक है तो यहां पे ये भी टच पैड भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है टच स्क्रीन जो मोबाइल का टच स्क्रीन होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है पहली बात तो ये याद रखेगा और वो भी पॉइंटिंग डिवाइस ठीक है इनपुट डिवाइस है वो पत, वो पता चले पॉइंटिंग पॉइंटिंग करते करते इनपुट डिवाइस ही भूल गए तो इनपुट डिवाइस आप कम से कम पहले ही तो याद रखें इसके बाद देखिए टच स्क्रीन मैंने बता दिया टच स्क्रीन जो मोबाइल में आप सभी लोग अभी वीडियो भी देखेंगे तो भी आप टच स्क्रीन का प्रयोग करेंगे ठीक है तो टच स्क्रीन क्या है एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है और इनपुट डिवाइस में भी कैसा है तो पॉइंटिंग डिवाइस उसके बाद लाइट पेन अच्छा लाइट पेन देखिएगा ये ऑप्टिकल डिवाइस है ये टच मैं इसीलिए सुधार दिया था ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है जो लाइट पेन होता है ठीक है ठीक है इसमें नहीं करते हैं आप क्या करते हैं पेन होता है जैसे क्या करते हैं नोट पैड वगैरह यूज करते हैं जैसे लिख ले लिए पेपर ऊपर नहीं लगता है उस पर हम कुछ लिखते हैं ना तो बोर्ड पे वो लिखा जाता है या मोबाइल पे लिखा जाता है तो याद रखिएगा ये पॉइंटिंग नहीं है ऑप्टिकल डिवाइस ठीक है कैसा है ऑप्टिकल डिवाइस और कैसा है इनपुट है ना ये तो पहली बात तो हर बार आपको बताना है ये इनपुट डिवाइस तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा फिर आपसे इधर जाएगा दीप तो जाएगा तो कि 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 ऑप्टिकल है है पॉइंटिंग अदर और कोई है ठीक ठीक है थीक? तो याद लाइट पेन जो होता है लाइट पेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज को लिख सकते हैं कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं ऑर्डर दे सकते हैं तो ये आपका ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है एक प्रकार का ऑप्टिकल है ऑप्टिकल समझिए लेजर के माध्यम से काम करता है ठीक नेक्स्ट देखिए इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी कुछ कुछ इनपुट डिवाइस है ठीक जैसे देखो बायोमेट्रिक सेंसर बायोमेट्रिक सेंसर देखिए ना कभी कभी ऑफिस वगैरह या कॉलेज वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो थम लगाते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन लगता है कई बार जब जिस सब लगभग का सभी का आधार कार्ड बना होगा तो रेटिना स्कैनर लगा होता है ठीक है अंगूठा लगाना और जो रेड कलर का होता है वो सब क्या है बायोमेट्रिक सेंसर ही तो है तो बायोमेट्रिक सेंसर में बहुत सारी चीजें आ जाती है मैं एक चीज नहीं बता रहा हूँ ठीक है जैसे आपका क्या हो जाएगा आई स्कैनर हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा फेस स्कैनर हो जाएगा उसका क्या होगा थम उसके अलावा क्या हो जाएगा रेटिना हो जाएगा ठीक है तो ये सब चीजें होती हैं सिक्योरिटी पर्पज पर डिपेंड करता है जैसे मुख्य रूप से आपका फिंगर, फिंगर, फिंगर है ना फिंगर हो सकता है फिंगर प्रिंट हो सकता है तो ये सब शब्द किसमें आता है एक ही शब्द इसके लिए यूज करता है बायोमेट्रिक सेंसर तो बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार का एक प्रकार का इनपुट डिवाइस पहली बात तो ये और अगर बायोमेट्रिक सेंसर में आपसे पूछा जाए कि रेटिना या फेस रिग्नर या फिर आपका थम आपका इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट आपका जो बायोमेटर ये क्या चीज है तो ये इनपुट डिवाइस इतना आपको याद रखना है ना और कुल मिला के बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं इसको सब मिलाकर एक ही ग्रुप में आता है ठीक है उसके बाद माइक्रोफोन आप जानते हैं जैसे माइक्रोफोन हलो हलो करते हैं बतियाते हैं जैसे अभी लगा हुआ है तो ये एक माइक्रोफोन ही तो है जिसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो याद रखेगा ये माइक्रोफोन जो है जो लगा होता है वो क्या है इनपुट है? याद रखेगा माइक्रोफोन अलग होता है स्पीकर अलग होता है ठीक है जैसे अब मैं आपको जैसे मान लेते हैं ये मोबाइल है तो मोबाइल में अगर इस तरह से लगाए तो इधर से जो साउंड आता है वो स्पीकर है दिस इज अ आउटपुट डिवाइस और ये वाला जो है ना इधर इधर ये जो है यहाँ पर लगा होता है माइक्रोफोन कभी कभी बोलते हैं तो आवाज नहीं आती सुधारवाते है, हैं हैं माइक्रोफोन चेंज करवाते तो माइक्रोफोन एक प्रकार का क्या है इनपुट डिवाइस उसके अलावा वेब कैमरा होता है वीडियो कॉलिंग करते हैं ठीक है रात रात भर करते हैं तो जो वीडियो कॉलिंग है वो भी क्या है इनपुट डिवाइस ही है ठीक है याद रखेगा वेब कैमरा जो है वेब कैमरा वेब कैमरा क्या है इनपुट डिवाइस और आपका एस ठीक है अच्छा एस एल क्या, क्या हो गया एस क्या हो गया स्पीक रिकोगनाइजेशन सिस्टम ठीक है एस एल आर में स्पीक मतलब, स्पीक मतलब बोलने से संबंधित जितने भी डिवाइस हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे आपका स्पीक रिकेशन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे जैसे कई बार को होता है हम लोग माइक ले लेते हैं है ना माइक ले लेते हैं तो माइक भी क्या आगा स्पीक रिकोगनाइजेशन सिस्टम में आ जाएगा ठीक है इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप बोलते हैं बोलने के लिए यूज करते हैं तो ये आपका स्पीक रिकेशन सिस्टम कहलाता है ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं तो ये यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस समाप्त होता है ठीक है आप अगर क्लासिफिकेशन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम कितने इनपुट डिवाइस हैं कौन कौन से हैं एक एक लिस्ट बना लीजिएगा स्टार्टिंग so, में लिस्ट बना हुआ है मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया हुआ था देखिए ठीक है कुछ ऐड हुआ है उसको लिख लेना की स्कैनर बार कोरिडर ओ एम आर ओ सी आर एस एम आई सी आर बार क्यू आर कोड स्कैनर पॉइंटिंग में माउस ट्रैक बॉल जो टच पैड टच पैड टच स्क्रीन ठीक है लाइट पेन नहीं है लाइट पेन काट देना ऑडियो इनपुट में देखो माइक्रोफोन सिस्टम डिजिटल कैमरा वेब कैम ये सारे की सारी चीजें जो है हमारी इनपुट डिवाइस है इतना याद इसमें से एक नो क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस देखेंगे इसको भी वैसे ही देखेंगे सारे आउटपुट डिवाइस देख लेंगे एक साथ फिर एक एक को फिर हम लोग क्या करेंगे डिटेल करेंगे तब तक बने रहिए हमारे साथ थैंक यू